आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आगामी 22 मई को क्रीड़ा भारती के तत्वाधान में मांझी से वैशाली तक बाइक रैली निकाली जाएगी। स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के कार्यालय कक्ष में आयोजित पत्रकार वार्ता में क्रीड़ा भारती के उत्तर बिहार प्रांत मंत्री नवीन सिंह परमार ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्रीड़ा भारती के कार्यकर्ताओं द्वारा भारत प्रदक्षिणा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 22 मई की सुबह स्थानीय सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में एक समारोह आयोजित कर बाइक रैली को वैशाली के लिए रवाना किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बाइक रैली के माध्यम से क्रीड़ा भारती का उद्देश्य स्वास्थ्य एवं खेल के प्रति लोगों को जागरूक करना एवं आत्मनिर्भर बनाना है। पत्रकार वार्ता में मौजूद मांझी विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राणा प्रताप सिंह ने कहा कि हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि क्रीड़ा भारती ने बिहार की प्रस्तावित बाइक रैली का शुभारंभ मांझी से करने का निर्णय लिया। पत्रकार वार्ता में क्रीड़ा भारती के प्रदेश सदस्य चंदन दुबे, सारण जिला संयोजक पंकज कश्यप, आरएसएस के वरिष्ठ स्वयंसेवक अरुण कुमार ओझा, प्रधानाचार्य अजय कुमार मिश्र, अमिताभ कुमार ओझा आदि मौजूद रहे। 22 तारीख में जो कार्यक्रम तैयारी जरूर है, तो यहाँ बाइक रैली करेंगे और ये छपरा तक पहुँचेंगे और पंकज जी के नेतृत्व में अरुण गुरु जी है, गुरु जी भी है, सभी लोग के सहयोग से सदस्य छपरा के लिए जाएंगे। आपका नाम? राणा प्रताप सिंह। भारतीय खेलकूद के क्षेत्र में काम करने वाली अखिल भारतीय संगठन है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूरा देश अपने स्वतंत्रता का 75 वर्ष पूरा होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। क्रीड़ा भारती के द्वारा भी अमृत महोत्सव के अवसर पर दो बड़े कार्यक्रम तय किए गए थे। एक कार्यक्रम सूर्य नमस्कार का था, जो 75 वर्ष पूरे होने पर 75 करोड़ सूर्य नमस्कार जो सम्पन्न हो चुका है और मांझी की बड़ी भागीदारी उसमें रही है। दूसरा कार्यक्रम हम लोग 22 मई को कर रहे हैं, क्रीड़ा भारती के द्वारा भारत माँ का अभिनव अर्चना और क्रीड़ा भारती के साथ भारत की प्रदक्षिणा, यह कार्यक्रम यानी पूरे देश में एक ही समय 8:56 पर क्रीड़ा भारती के द्वारा पूरे देश में 300 स्थानों से बाइक रैली निकाली जाएगी, जो 18,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी बढ़ेगी और उस 300 स्थान में मांझी भी एक स्थान है। और हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात यह है कि बिहार के कार्यक्रम का उद्घाटन मांझी में हो रहा है। बिहार का पहला जो रैली बिहार से निकल रहा है, बिहार में कुल 22 स्थानों से रैली हो गई, तो बिहार में मांझी की जो रैली है यही रैली बिहार की शुरुआत कर रही है। तो उस दिन 22 मई को रविवार दिन है, यहाँ मांझी के सरस्वती शिशु मंदिर के परिसर से 8:56 पर यह रैली निकलेगी, जो वैशाली तक जाएगी, हाजीपुर तक जाएगी, बीच में छपरा में उसका एक पड़ाव होगा और ये हाजीपुर तक यह रैली जाएगी। और उस कार्यक्रम में यहाँ स्थानीय स्तर पर सहयोग कर रहे हैं राणा प्रताप जी, बहू सिंह जी, और इस कार्यक्रम छपरा का जो ये मांझी का जो ये कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम पंकज कश्यप जी के नेतृत्व में यहाँ से कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, उन्हीं नेतृत्व में रैली निकलेगी, यही कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम की तैयारी के लिए आज हम लोग यहाँ बैठक हुई है कि कैसे कार्यक्रम हो, कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों की अपनी अनुमानित संख्या है कि 50 से 100 के बीच में हमारे यहाँ से बाइक बाइक पर दो लोग रहेंगे, दो लोग यहाँ से वैशाली के लिए प्रस्थान करेंगे, उसमें से कुछ लोग छपरा रुक जाएंगे, जो लोग सक्षम होंगे युद्ध होंगे वो लोग हाजीपुर जाएंगे। TNT न्यूज के माध्यम से अब आप पल पल की खबरों से रहेंगे अपडेट। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर ले और वीडियो अच्छा लगने पर लाइक और शेयर जरूर करें।